हेलो दोस्तों, मैं सनी और आप लोग देख रहे हैं सनी का रिएक्शन चैनल। तो दोस्तों, बस्तर मूवी का ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है और अभी हम इसे देखने वाला हूँ। थोड़ा हम इसका ट्रेलर आने से 3 दिन हो चुका है, तो थोड़ा लेट हो गया हूँ हम इसका ट्रेलर देखने के लिए। चलिए फिर भी देख लेता हूँ। तो आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करता हूँ, 3 2 1 चालू। इंडियन माओइस्ट, आईएसआईएस और बोको हरम के बाद दुनिया का तीसरा सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन है। कॉमरेड्स, बस्तर का रेड एक्शन दिल्ली को हिला के रख दिया है। 76 कुत्ते मारे हमने। भगवान अपनी सबसे कठिन लड़ाई अपने सबसे शक्तिशाली सिपाहियों को देता है। मैडम निज्जर, आवर 76 बॉयज गॉट बुचर्ड। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस? आप। व्हाट? ऑनरेबल होम मिनिस्टर। 76। आपकी अच्छी लगेगी भाई मूवी देखकर सच में। टीआरपी ऑफ जवान्स शुड गेट 76 करोड़। पाकिस्तान के साथ हुए 4 युद्धों में हमारे 8,738 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर नक्सलियों ने 15,000 से ज्यादा जवानों की हत्या की है। 15,000 से ज्यादा नक्सलियों ने हमारे जवानों की हत्या की है। भारत सरकार का तिरंगा फहराने का साहस कैसे हुआ? दिल्ली के लाल किला पर लाल झंडा फहराने के लिए, भारत देश पर माओइस्ट गवर्नमेंट बनाने के। खतरनाक भाई, क्या दिखाया है भाई, खतरनाक खून खराबा दिखाएगा मूवी में। ट्रिलियम तो दिमाग हमारा खराब हो गया भाई। ये खून के नदिया तो बहेंगी। एक नया इंटरनेशनल फोरम बन रहा है, इंडिया की नई ताकत को रोकना जरूरी है, और इंडिया के खिलाफ हमसे इफेक्टिव पार्टनर और कौन होगा? एवरीथिंग कम्स विद अ कॉस्ट। 600 करोड़। मैंने अपना पति के साथ साथ अपना बेटा भी खोया है। हर घर से एक बच्चा उनको देना पड़ेगा, ऐसा नियम बनाया उन्होंने। मना कर देते ना, सबको मार देते। पूरा इकोसिस्टम आज मेरे अगेंस्ट खड़ा है, लेकिन मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। इन नक्सलियों को छोड़ूंगी नहीं इस बार। मिर्जा को ऐसा जवाब देना होगा कि साली दिल्ली सरकार की गोटियां काम जाए। 100 years of communism and 100 million debt. भाई क्या दिखा रहा है भाई मूवी में, कितना पूरे बस्तर में से आप कोई भी गांव सेलेक्ट करिए और चलिए मेरे साथ बिना सिक्योरिटी के, और देखते हैं वहां से जिंदा वापस कौन लौटता है, आप या मैं। गांव वाले डिसाइड करेंगे निर्दोष कौन है और गुनेगार कौन है। दम। वाह वाह वाह, जय हिंद। 15 मार्च। भाई 2.5 मिनट के लगभग इसका टेलर था भाई, हिलाकर रख दिया भाई टेलर। टेलर मजा आ गया भाई टेलर देखकर। 15 मार्च को आ रही है मूवी, तो भाई देखना तो बनता है। आप लोग कितना एक्साइटेड हो इस मूवी के लिए कमेंट करके बताइएगा, और आप लोगों को कैसा लगा इसका ट्रेलर देखकर वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें तो भाई अच्छा लगा बहुत इसका ट्रेलर देखकर, वो काफ़ी अच्छी लगी भाई इसका ट्रेलर देखकर हमें। तो फिर देखेंगे जब 15 मार्च को आएगा मूवी, तो और इसका जो एक एक सीन जो दिखाया वो काटने वाला कुरहाली से भाई लाजवाब सीन था भाई, दिमाग ख़राब हो गया भाई देखकर, एकदम रियल की तरह लग रहा था हमें देखने में, तो देख भी नहीं पाया ठीक से भाई, खतरनाक था वो वाला सीन। तो आप लोग अगर किसी चीज़ पर रिएक्शन चाहते हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा, आप लोगों के लिए हम उसी चीज़ पे रिएक्शन लाऊंगा। और इसका जो ओरिजिनल वीडियो का लिंक है आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाकर के चेकआउट कर सकते हो इस ओरिजिनल वीडियो को। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।